असलम स्टूडेंट्स सोशल इंटरप्रेन्योर्स इंक्रीजिंगली एथिक्स बेस्ड प्रैक्टिस को प्रेफर करते हैं एंड इट हेज़ अ कामन सेंस रीज़न आम एक फेम वजह है और वह यह कि सोशल इंटरप्र्योर्स एक सोशल जो पैशन होता है या एक सोशल मिशन है उसके साथ कमटेड होते हैं उनके एक्टिविटीज़ का ताल्लुक इंसानों की जिंदगी से है उसके कॉन्सिक्वेंस या इम्पेक्ट्स जो हैं वो मुशरे पर इंसानों की सोशल लाइफ के ऊपर उसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशनस हैं और उसकी इन्वामेंटल कॉन्सिक्वेंस हैं तो अगर प्रैक्टिस जो है सोशल एंटरप्रेन्योर्स की उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एथिकल होंगी ट्रांसपेरेंट होंगी तो उनका सोशल इम्पेक्ट जो है और वैल्यू एडिशन जो है वो ज़्यादा होगी दो कॉन्सप्ट इस सिलसिले में ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट है एक ट्रूथफुलनेस और दूसरा डिस्क्लोजर ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर इनकी ब्रीच हो प्रैक्टिस के दौरान एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के दौरान तो वो सिर्फ एथिकल इशू नहीं रहता बल्कि उसकी लीगल इम्प्लीकेशन्स होती हैं जिनको हम फ्रॉड के नाम से जानते हैं हम दोनों के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं ट्रूथफुलनेस ट्रूथफुलनेस से मुराद है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो भी अंडरलाइन फैक्ट्स हैं जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करें अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स जिनकी किसी भी हवाले से उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है जिनके लिए जानना ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने या डिलीवर करने में क्या प्रोसेस शामिल हैं फाइनेंसेस कहाँ से आई हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं कौन लोग शामिल हैं और ख़ास तौर पर बेनिफिशरीज़ या क्लाइंट्स जो हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि उनको ये सारे फैक्ट्स और ये सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचे इस तरह से उनके लिए एक इंफॉर्म डिसीजन करना आसान हो जाता है कि वो उस गुड्स या सर्विस से बेनिफिट लेंगे या नहीं लेंगे इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो जाता है फ़ैसला करना कि उन फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए वो इन्वेस्ट करेंगे उस सोशल एंट्रपनोरियल एक्टिविटी के अंदर या नहीं करेंगे तो बेसिकली ट्रूथफुलनेस जो है वो सारे जो ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी बुनियाद है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाजमी है कि अगर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है अपना इम्पेक्ट छोड़ना है तो ट्रूथफुलनेस जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है एक एथिकल प्रिंसिपल है एक लीगल प्रिंसिपल या रिक्वायरमेंट है दूसरी रिलेटेड चीज़ जो है वो है डिस्क्लोजर ये जो फैक्ट्स या जो इंफॉमेसन है जिसको हम ट्रूथफुलनेस कह रहे हैं इसका टाइमली डिस्क्लोज करना लोगों तक इसको पहुंचाना, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक क्लाइंट्स तक बेनिफिशरीज तक ताकि वो उसको इस्तेमाल करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को अवेल करते हुए ये समझ सकें कि जो वो एक्टिविटीज़ में शामिल होने जा रहे हैं जो गुड्स वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं या वो सर्विसेज जो वो अवेल करने वाले हैं उनका फैक्ट क्या है उनके पीछे अंडरलाइंग जो इंफॉर्मेशन है जो फैक्चुअल उसके प्रोसेस हैं वो क्या हैं ये उनके लिए ये उनका एक तरह से हक है और सोशल एंटरप्रेन्योर के पार्ट पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है एथिकल और लीगल ऑब्लिगेशन के वो ये दोनों चीज़ें करें ट्रूथफुलनेस और डिस्क्लोजर इन दोनों का या इन दोनों में से किसी एक का ब्रीच जो है वो दुनिया भर में अक्रॉस द ग्लोब इसको एक लीगल आप वायलेशन जो है वो कंसिडर किया जा सकता है दुनिया भर में फ्रॉड से रिलेटेड जो हैं वो लॉज मौजूद हैं और वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स पर भी उसी तरह अप्लाई होते हैं जैसे ज़िंदगी के किसी और हिस्से में किसी और पर पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो आप एक्चुअली फ्रॉड से रिलेटेड लॉज से वाकिफ़ हैं लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं ये 420 सौ नहीं चलेगी या आप बड़े 420 सौ बीस हैं तो दरअसल हम पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 420 की बात कर रहे होते हैं जो कि फ्रॉड से डील करता है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 420 जो है वो किसी भी फॉर्म में फ्रॉड को डील करता है वो फ्रॉड जो है वो बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है वो कॉरपोरेट फ्रॉड हो सकता है फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है साइबर फ्रॉड हो सकता है उसकी मुख्तलिफ जो सबसेक्शनस हैं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके प्रूव होने की सूरत में जो पेनल्टीज हैं उसके हवाले से जो लीगल प्रोविजन हैं उन पर गाइडेंस फ्राह्म करता है सोशल इंटरप्रियोर्स के लिए पिछले मॉड्यूल्स में जब हमने लीगल अंडरस्टैंडिंग या फहम की बात की तो ये एक कंसर्न जो है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी बिज़नेस एंटरप्रेन की नस्बत या किसी और वॉक ऑफ लाइफ में जो पर्सन है उसकी नस्बत क्योंकि यहाँ पर जो है वो महज़ प्रॉफिट या डे टू तो डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है यहाँ एक सोशल मिशन या एक कॉज इन्वॉल्व है और वो उसी सूरत में अपना इम्पेक्ट छोड़ेगी अगर आप ट्रूथफुली ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली एक्टिविटीज़ को करेंगे थैंक यू